आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। श्रावण मास में करिए अद्भुत हाटकेश्वर शिवलिंग के दर्शन। 12 महीने जल में रहता है भगवान हाटकेश्वर का अद्भुत शिवलिंग। दर्शन मात्र से होती है हर मनोकामना पूर्ण। शारीरिक रोग मानसिक पीड़ा दूर करता है नन्हेश्वर महादेव शिवलिंग का पावन जल। खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के नन्हेश्वर में अति प्राचीन धार्मिक व ऐतिहासिक हाटकेश्वर महादेव के पार्वत शिवलिंग विराजमान है। महर्षि मार्कंडेय की तपोस्थली होने के साथ यहाँ श्री भगवान हाटकेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। ये भारत का पहला शिवलिंग है जो वर्ष भर मंदिर के कुंड के तलघर में जलमग्न रहता है। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 7 जनवरी को इस जलमग्न शिवलिंग की बावड़ी से पानी निकालकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। वर्ष भर में सिर्फ एक बार ही भक्तों के लिए बावड़ी का पानी हटाकर शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। बावड़ी से पानी हटाने का कार्य सुबह से प्रारंभ होकर शयन आरती तक चलता है। वर्ष में एक बार ही 12 घंटों के लिए शिवलिंग के द्वार खोले जाते हैं। इस दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है और हजारों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन भोजन प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। गौरतलब है, बावड़ी को खाली करने के लिए मोटर पंप और इंजन का उपयोग किया जाता है ताकि बावड़ी में विराजित जलेश्वर भगवान के दर्शन और अभिषेक कर सके। इसमें रोचक तथ्य ये है कि बावड़ी में पानी वर्ष भर एक नियत स्थान तक ही सीमित रहता है जिसमें शिवलिंग जलमग्न रहता है, जिसे कुंड के बाहर खिड़की से देखा या दर्शन किए जा सकते हैं। ये अद्भुत है और आकर्षक है। इसे भक्तगण एक प्रकार से शिवजी का चमत्कार मानते हैं। बावड़ी के अंदर 60 फीट तक पानी रहता है। पूर्व में कुंड में मिट्टी का भराव होने से शिवलिंग दबा हुआ था, जिसकी जानकारी भक्तों को नहीं थी। आज से 26 वर्ष पूर्व परम पूज्य श्री संत श्री हरिओम बाबा जी की प्रेरणा से कुंड में भरी दलदल मिट्टी को साफ कर कुंड की खुदाई करवाई गई, जिसमें पवित्र पार्वत का शिवलिंग निकला। बाबा जी ने कुंड की सफाई करवाकर उसी स्थान पर शिवलिंग को स्थापित कर अभिषेक किया। अब उसी दिन से प्रतिवर्ष शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। नमस्कार, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक ऐसे पावन तीर्थ स्थल पर जहाँ की महिमा बड़ी अद्भुत है। खरगोन जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नन्हेश्वर धाम, जहाँ पर एक अद्भुत शिवालय है। इस शिवालय की खास महिमा ये है कि हमेशा जल के अंदर गहरे 7 फीट गहरे पानी के अंदर यह रहता है। इस शिवलिंग को बताया जाता है कि यह शिवलिंग पार्वत की है। पार्वत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको भी अगर पार्वत को छू ले तो वह स्वर्ण बन जाता है। यहाँ पर ये जो शिवलिंग स्थित है आप देख रहे होंगे, ये जमीन के अंदर 7 फीट गहरे पानी के अंदर है। 12 ही महीने ये पानी के अंदर रहता है। 7 जनवरी को कई मोटरें लगाकर इसका पानी निकाला जाता है, तब जाके यहाँ पर इनका पूजन और अभिषेक होता है। यहाँ पर स्थित पूज्य गुरुदेव श्री हरिओम बाबा वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। उन्हीं को आज से 30 वर्ष पूर्व आभास हुआ था कि इस जगह पर कुछ अद्भुत है। उन्होंने खुदाई करवाई तब यह पार्वत का शिवलिंग निकला यहाँ पर जल के अंदर से। इस शिवलिंग के दर्शन करने से सारे रोगों का नाश होता है, मनोतियाँ पूर्ण होती है। लोग दूर दूर से दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं। लोगों की अटूट श्रद्धा इस मंदिर के प्रति, यहाँ आने जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। श्रद्धालुओं ने अपने श्रम से मेहनत कर पत्थरों से देखिए अब ये शिवलिंग बनाया है। शिवलिंग के पास पत्थरों का ये पुल बनाया है। दर्शन करने के लिए लोगों को कठिनाई ना हो, शासन प्रशासन जो करेगा वो करेगा, लेकिन पत्थरों से श्रद्धालुओं द्वारा ग्रामीणों द्वारा ये अद्भुत पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ, जंगलों में बसा हुआ ये शिवलिंग है। इसी शिवलिंग से निरंतर जल प्रवाह होता है। यहाँ पर एक झीरा बना हुआ है, इस झीरे में स्नान करने से सारे रोगों का नाश होता है ऐसा यहाँ बताया जाता है। लोगों की मनोती पूर्ण होती है। कई 100 साल पुराना इसका इतिहास है। पूज्य गुरुदेव ने जैसे बताया, इनका जीर्णोद्धार इस मंदिर का अभी हुआ है। श्रावण मास में विशेष आयोजन होते हैं, अखंड जाप चलता है, भंडारे होते हैं। लोग दूर दूर से श्रद्धालु इस पवित्र धाम के दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भगवानपुरा तहसील के अंतर्गत यह नन्हेश्वर धाम आता है, जहाँ की महिमा बड़ी अद्भुत और निराली है। खरगोन से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। पूज्य संत श्री हरिओम बाबा के अनुसार नन्हेश्वर धाम में ऋषि मार्कंडेय जी 21 कल्प के बाद अमर हुए थे।
ये पवित्र स्थल श्री हाटकेश्वर भगवान मंदिर 1933 में खंडित था, जिसका जन सहयोग से पुनः निर्माण पूर्ण हुआ था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठौर। कहाँ से आए हैं आप? शेगांव से। अच्छा, कब से आ रहे हैं? मंदिर के बारे में क्या महिमा है, क्या थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ की महिमा ये है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे लिंग है, ये पानी के अंदर है। यहाँ पे ईश्वर की कृपा से ही पानी पता नहीं कहाँ से आता है, ये तो ईश्वरी जाने। और एक कुंड बना हुआ है, यहाँ पे नहाने से सारी बीमारियाँ खत्म हो जाती है। अच्छा, कोई चमत्कार आपके साथ जुड़ा हो बताएंगे अपना अनुभव? हम तो जब भी आते अच्छा लगता, मन को शांति लगती है। इस ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचने के लिए पहाड़ों झाड़ियों के बीच उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। प्रशासन की उपेक्षा के बाद श्रद्धालुओं द्वारा आपसी जन सहयोग और श्रम से पत्थरों का विशाल पुल निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आने में अब कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वहीं समीप ही में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर निर्माण भी चल रहा है। ये ऐतिहासिक शिव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जो प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। सेगांव से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुदेव, श्रावण का पवित्र महीना है, नन्हेश्वर धाम की थोड़ी सी विशेषता बताएं। ये यहाँ पर जो शिवलिंग है वो जल में क्यों है? वो जल में क्यों है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो प्राचीन काल से सही है और इसको 1333 में खंडित कर दिया गया था। जब से ये खंडित था, अभी इसका जीर्णोद्धार चल रहा है और ये 12 महीना पानी में ही रहते हैं। श्रावण मास में विशेष क्या आयोजन होते हैं यहाँ पर? अखंड ओम नमः शिवाय चलता है रात दिन, और भगत लोग आते रहते बदलते रहते हैं, और इस तरीके से कार्यक्रम चलता है। अभी भादो में जन्माष्टमी के दूसरे रोज गोगा नवमी पेश की पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा और भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, ये कार्यक्रम चलता रहता है। यहाँ पर काफी चमत्कारों का वर्णन होता है, यहाँ काफी महिमा है इसकी, क्या है इसका इतिहास और क्या है इसके चमत्कार, थोड़ा सा बताएंगे? चमत्कार तो मैं क्या बता सकता हूँ, भगवान ही बता सकता है क्या। बाकी आपको यहाँ आते ही शांति मिलती है। आप देखो कि पानी में काई नहीं जमती है, इसमें जो अंदर मंदिर में है ये इसकी विशेषता है। और आप देख लो अंदर ध्यान से, तो अभी तो थोड़ा मिट्टी विट्टी जम गई है तो नज़र नहीं आती है, बाकी ये फार फोटो लगा हुआ है, उस फोटो में आप देखोगे अंदर पूरे शिवलिंग में चेहरा नजर आएगा। कितना गहरा होगा अंदर? 7 फीट पानी है। और ये जैसे 12 महीने पानी में रहता है, इसको पूजन अभिषेक के लिए कब इस पानी को निकाला जाता है? 7 जनवरी को। 7 जनवरी को एक दिन, उस दिन लोग आते हैं, अंदर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बताते हैं कि मोटरों से पानी निकाला जाता है? हाँ, मोटर चलती है, अभी तक दर्शन होते हैं।